जय हिंद दोस्तों, आप लोग अपना रॉ मार्क्स देख लिए हैं और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा सिर्फ 40 से 50 जिनका मार्क्स आ रहा है वही वीडियो देखिए और पूरा देखिए मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, बहुत लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं आखिर में रिजल्ट होगा किसका, अभी सिर्फ आंसर की आया है उसी के आधार पर लोग बोल रहे हैं कि 60 जाएगा 70 जाएगा और बहुत सारे लोगों का एनालिसिस गलत होने वाला है। देखिए आंसर की के तुलना में हम नहीं बता सकते हैं कि कट ऑफ फाइनल क्या जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है 70 से 80% कैंडिडेट का मार्क्स 40 से 50 के बीच में आ रहा है। तो आखिर में रिजल्ट किसका होगा, 40 से 50 वालों का होगा कि 60 से 70 वालों का होगा, ध्यान से देखना और पूरा वीडियो देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखिए आंसर की आया है ना उसमें बहुत सारा गड़बड़ी है, रेलवे ऑलरेडी उसको मतलब सुधार करके जब आप ऑब्जेक्शन करोगे ना तो उसका मार्क्स आपके नंबर में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो जब जुड़ेगा तो आपका मार्क्स बढ़ने वाला है और जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 40 से 50 के बीच में है तो आखिर में रिजल्ट होगा किसका, और जो 80 से 90 लाए थे वो कैंडिडेट आखिर है कहाँ, वो बता क्यों नहीं रहे हैं कि मेरा 90 आया है 80 आया है और एक 100 वाले भी कहाँ चले गए। ठीक है, तो देखिए दोस्त आपको क्या करना है, आप किसी के बहकावे में मत आइए। बहुत सारे लोग जैसे ही आंसर किया आया तुरंत कट ऑफ बता दिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये सिर्फ आंसर की है जिसमें कि बहुत सारे त्रुटियां होगी, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको फिर से उसको सुधार करके और जब आप ऑब्जेक्शन करोगे तो वो मार्क्स में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो वो मार्क्स आपके नंबर में फिर जुटेगा और जुटने के बाद से रियल में जो स्कोर कार्ड आएगा वहाँ पर दिखाएगा कि आपका परसेंटाइल स्कोर कितना है। ठीक है, परसेंटाइल स्कोर पे ही डिपेंड करता है आपका कट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे एक आप थ्योरी समझिएगा जिनका मार्क्स 40 से 50 या 50 से 60 के बीच आ रहा है आखिर वो कैंडिडेट है कहाँ जिनका 60 प्लस और 70 प्लस और 90 प्लस आ रहा है, क्योंकि वो सिर्फ अटेम्प्ट लिए है बाद में उनका घट करके अभी 50 से 60 के बीच आ रहा है। ठीक है, तो जब रॉ मार्क्स आएगा ना, जब आपका स्कोर कार्ड आएगा ना, क्योंकि अभी जो दिया है आंसर उसमें बहुत सारा गलत है, आप क्या कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्शन कीजिए। जो जो आपको डाउट लग रहा है एक शिफ्ट में 5 से 10 क्वेश्चन तक गलत है तो आप उसको ऑब्जेक्शन कीजिए। देखिए पैसा 50 रुपया लग रहा है, ठीक है ना, 250-300-400 लग जाएगा, दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे कैरियर का सवाल है, आप ऑब्जेक्शन कीजिए। अगर ठीक है मान लीजिए आंसर सही होगा तो वो उसका एक्सप्लेनेशन देगा और नहीं होगा तो उसको करेक्ट करके आपके मार्क्स में जोड़ेगा। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्शन कर दीजिए, ऑब्जेक्शन करने के बाद से थोड़ा सा वेट कीजिएगा ना, तो एक स्कोर कार्ड आएगा जिसमें आपका कितना गलत है कितना सही है कितना अटेम्प्ट लिए और कौन कौन सा इग्नोर किए सब चीज़ उसमें दिखा देगा और लास्ट में दिखाएगा आपका स्कोर, और वो स्कोर क्या रहेगा, नॉर्मलाइज स्कोर, क्योंकि वो नॉर्मलाइज स्कोर ही मेन खेला है। देखिए कोई भी अभी जैसे नंबर दे के कट ऑफ बता दे रहा है 60 जाएगा क्या जाएगा, देखिए क्या जाएगा अभी अंदाजा मत लगाइए, माना कि हम 60 बोले थे, इसलिए बोले थे क्योंकि एक मतलब टारगेट लेकर के चलिए। ठीक है, 60 जाएगा 70 जाएगा ये नंबर दे करके ये आंसर की के आधार पर आप बोल रहे हैं तो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। ठीक है, बच्चे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं कि सर मैं फेल हो गया, मेरा नहीं होगा, मेरा इतना आ रहा है उतना आ रहा है, निराश मत हुए। ठीक है, 40 लाने वाला ना बुर्बक गंवार नहीं है, बहुत मेहनत किया है और बहुत मेहनत करके लाया है और अच्छे अच्छे बच्चे हैं ना जिनका मार्क्स कम आया, जवन 60 लाया है ना 70 लाया है ना वो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो गया है। ठीक है, तो वो कैंडिडेट या तो ज्वाइन नहीं करेगा और नहीं तो झूठ मूठ का कट ऑफ बढ़ा रहा है। ठीक है, ग्रुप डी लायक है ये नहीं है, तैयारी उसकी अच्छी है, वो बस देखने के लिए या दिखाने के लिए वो एग्जाम दिया। मेन अभी खेल अब शुरू हुआ है, मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया इसके लिए मैं हाथ जोड़कर सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मेरा ड्यूटी कंटिन्यू पड़ गया था प्लस कुछ मोबाइल में प्रॉब्लम भी हो गया था। ठीक है, लेकिन ये चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं बहुत कोशिश किया कि वीडियो बना दूँ लेकिन ड्यूटी में नहीं बना सकता मैं, लेकिन ये चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल हिम्मत मत हारिए, यहाँ पे आप है ना बिल्कुल हिम्मत मत हारिए, गेम चेंजर यहाँ पे परसेंटाइल है, अच्छे अच्छों का छक्का छोड़ा देगा देख लेना। ठीक है, जो 70 बना के उछल रहा है ना वो आके गिर जाएगा, देखो यहाँ पे क्या होगा समझना। यहाँ पे मान लीजिए किसी शिफ्ट में ये 40, 50, 60, 70 ये मार्क्स है और यहाँ परसेंटाइल है। ठीक है, 40 लाने वाला का अगर परसेंटाइल यहाँ पे 95 आता है और 60 वाला का 70 आता है तो 40 वाला का रिजल्ट होगा, क्योंकि रेलवे ऑलरेडी अपने नोटिस में बोल दिया था कि परसेंटाइल जो है एक एवरेज स्कोर देखा जाएगा, जो टॉपर होगा ना, क्योंकि हर एक शिफ्ट अलग अलग था सा, अगर मतलब वेरिएशन हुआ ना तो वहाँ पे परसेंटाइल बहुत फर्क पड़ जाएगा, बहुत वेरी कर जाएगा और वहाँ पे रिजल्ट उसका होगा जिसका परसेंटाइल स्कोर ज़्यादा होगा।
70 लाने वाला का अगर मान लीजिए 80 आया और 50 लाने वाला का अगर 95 आया तो 95 वाला का रिजल्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चन उस लेवल का था कि आपने अटेम्प्ट कम किया और करेक्ट सही किया, क्वेश्चन में बहुत वेरिएशन देखने को मिला। ठीक है, तो जो 50 लाया है 60 लाया है उसका एक स्कोर दिखाएगा, परसेंटाइल स्कोर, और वो परसेंटाइल स्कोर पर वो कंसिडर करेगा, बात याद रखना। ठीक है, तो कोई भी बंदा जो एवरेज तैयारी किया है वो अगर क्वेश्चन शिफ्ट इजी है तो वहाँ पे वो ज़्यादा स्कोर कर ही लेगा, ये बात देखा गया 2018 में। ठीक है, और 2018 में और 2022 में यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जिनका कम मार्क्स आ रहा है बिल्कुल हिम्मत मत हारिए, इन द केस अगर आपका रिजल्ट नहीं होता है, मैं दिल से बोल रहा हूँ इस समय, मेरा फर्स्ट वीडियो है आंसर की के बाद, कि आपका रिजल्ट आगे होगा, क्योंकि आप अगर यहाँ पे फेल होते हो तो आगे बेहतर करोगे, लिख के रख लो। ठीक है, क्योंकि आपने वो फेलियर देखा है, और 40 लाने वाला ना बुर्बक गंवार नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेहनत किया है, बशर्ते कुछ कारणवश या तो वो पैटर्न समझ में नहीं आया उसको, या हो सके क्वेश्चन का लेवल उसे नहीं कवर कर पाया, लेकिन वो बंदा बेहतर है और आगे रिजल्ट वो लेगा। ठीक है, तो अभी जो लोग वीडियो बना रहे हैं ना, 60 बता रहे हैं, अभी के आंसर की पे 60% जाएगा, 70% जाएगा, ये सब चीज़ें बिल्कुल बेकार है। आप 40 से 50 ही लाए हो, हिम्मत रखो, धीरज रखो, बस आने दो रियल जो स्कोर कार्ड है उसका। ठीक है, अभी सर की में बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, मैं सभी शिफ्ट का तो नहीं देख पाया, लेकिन जैसे कमेंट आ रहा है तो मैं देख रहा हूँ कि 5 से 10 क्वेश्चन तक गड़बड़ दिख रहा है। ठीक है, तो वो वहाँ पे बढ़ जाएगा, आपने करेक्ट आंसर दिया है लेकिन आंसर वो शायद गलत दे रहा है, या हो सके उसका व्यू कुछ अलग हो, या शायद आपका गलत हो, लेकिन मार्क्स बढ़ेंगे जरूर, सिर्फ ऑब्जेक्शन करने से मार्क्स बढ़ेंगे, उसके बाद से परसेंटाइल स्कोर आपका आएगा और पता चलेगा कि आपके शिफ्ट में कितने हाइएस्ट अटेम्प्ट करने वाले हैं और वहाँ से परसेंटाइल कितना आपका आ रहा है, आपका रैंक कितना है। ठीक है, तो दोस्त बिल्कुल नेगेटिव बात नहीं सोचना है, आप हिम्मत रखिए। और एक बात बता दूं, मेन गेम अब शुरू हुआ है। ठीक है, अभी तो ये बस टीजर है, ट्रेलर भी नहीं है, अभी सिर्फ टीजर है, टीजर के बाद ट्रेलर आएगा और वो आएगा आपका स्कोर कार्ड, और बाद में आएगा कट ऑफ, और जब कट ऑफ आएगा ना सबका ना ये हो जाएगा, पर्दाफाश हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूं आप हिम्मत मत हारिए। 40 हो, 50 हो, 55 हो, 60 हो या 70 हो, ठीक है, किसका रिजल्ट होगा अभी कोई नहीं बता सकता, इसलिए। अच्छा, मान लीजिए इन द केस आपका रिजल्ट नहीं भी होता है ना, मैं बताऊं, आपका रिजल्ट आगे चल करके एग्जाम में होगा, लोको पायलट टेक्नीशियन, RPF, JEE, जहाँ भी होगा, लेकिन होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ ग्रुप डी में आप छंटे हो ना, इसका मतलब ये हुआ कि आपने बेहतर तैयारी किया था, बस अर्थे छंट गए हो, और वहीं हिम्मत करके फिर से आगे मेहनत करोगे। ठीक है, आप नाकाबिल नहीं हो, आप लूजर नहीं हो, और आप कमज़ोर नहीं हो, मैं इतना जानता हूँ, मेहनत करोगे तो ग्रुप डी तो छोड़ो, ग्रुप सी में आओगे, टेक्नीशियन में आओगे, लोको पायलट में आओगे। ठीक है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है, आप ऑब्जेक्शन करो, उसके बाद से जो भी आपका रॉ मार्क्स आ रहा है किसी से मत पूछो, सर मेरा इतना आया है क्या होगा रिजल्ट, अभी कोई नहीं बताने वाला है, जितना ये सब पागलपंथी सब दिखा रहा है ना, कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ सब, देखिए दोस्त अभी आंसर की पे कट ऑफ कौन बता सकता है, मैंने कभी बताया था वो कट ऑफ नहीं था, मैं बोला कि 60 लाओ सेफ रहोगे, हो जाएगा, मैंने जस्ट अपना एक्सपीरियंस पे बोला था कि 60 लाओ हो जाएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ठोक के दावा बोलता हूँ कि 60 पे रिजल्ट होगा, 60 पे रिजल्ट होगा, 50 पे होगा, वो बात की बात है, मैंने एक टारगेट दिया था, हो सके कि 60 ही पे हो, वो बात अलग है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी 40 पे रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे परसेंटाइल जो खेला होने वाला है ना उसको देखो, उसको इग्नोर मत करो, ठीक है, उसका इंतजार करो, थोड़ा सा और हिम्मत रखो, ऑब्जेक्शन करो, और 2 दिन 4 दिन 5 दिन इस मंथ के एंड तक जल्द से जल्द आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा। हिम्मत रखो, 40 से 50 वालों बिल्कुल निराश नहीं होना है, हो सके आपका शिफ्ट ही ऐसा था जहां आप 40 से 50 बना सके, आगे नहीं बढ़ सके, उस शिफ्ट में अगर 50 बच्चे बैठे हैं ना, जैसे मान लो फर्स्ट शिफ्ट में अपने पेपर दिया, फर्स्ट शिफ्ट में 50 बच्चे बैठे हैं, सपोज दैट 50 नहीं बैठे होंगे, मतलब एक शिफ्ट था, तो 50 में से अगर 30 बच्चे बैठे होंगे, तो 30 बच्चा का अगर एवरेज स्कोर 40 हो या 50 हो, तो वहाँ पे आपका परसेंटाइल हाइएस्ट होगा, क्योंकि वो सबका सेम या सबका उतना ही के रेंज में अटेम्प्ट है या रो मार्क्स है, समझ रहे हो ना, तो यहाँ पे सबसे बड़ा परसेंटाइल खेला है, 40 भी लाए हो और परसेंटाइल अगर 90 आ जाता है, 95 आ जाता है, 80 आ जाता है, तो वहाँ रिजल्ट आपका होगा, 60 वाले का नहीं होगा, क्योंकि रेलवे जानता है कि वो शिफ्ट इजी होगा, तो हो सके ज़्यादा अटेम्प्ट या ज़्यादा बच्चों का सही हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ शिफ्ट बहुत वेरिएशन करेगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं कंटिन्यू आपके साथ हूँ, आपको मैं हिम्मत दे रहा हूँ, नेगेटिव मत सोचो, किसी के फालतू बातों को मत सुनो कि नहीं अभी से कट ऑफ पे कट ऑफ, मैं देख रहा हूँ, मैं 2 दिन शांत था क्योंकि मेरा फोन खराब हो गया था, प्लस मैं ड्यूटी में था, मेरे को टाइम नहीं मिला, अभी मैं रात में वीडियो शूट कर रहा हूँ, कल से मैं कंटिन्यू आपके साथ हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।